भूमि पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए, लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की, एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो, और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, 1 छिंदवाड़ा से पकड़ा, सभी पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। 6 आतंकी हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, उनमें से भोपाल जो धर्मांतरित होके हिंदू से गया हुआ एक शख्स भी शामिल है। इन सबके तार हिज्ब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं, जो कट्टरपंथी संगठन है। ये लोग पूछताछ में पता चला कि रायसेन से सटे जंगल में ट्रेनिंग कैंप लगाते थे, समाज में घुलने मिलने के लिए इनमें से कोई ट्रेनर होता था, कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन था, कोई दर्जी, कोई ऑटो ड्राइवर इत्यादि का काम कर रहे थे। और गिरफ्तार सदस्यों में से एक भोपाल के कोहफिजा में एडू फोरम ट्यूटोरियल्स के नाम से कोचिंग सेंटर भी चला रहा था। ये समाज की भोली भाली बेटियों को फंसा कर शादी करना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना और धर्म परिवर्तन जैसे गैर कानूनी काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश की धरती पर ये बर्दाश्त नहीं होगा। अभी पूछताछ जारी है, इनको जड़ से नेस्तनाबूद करना।